आज हम डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल बेसिकली क्या होता है? क्रैमर्स रूल में हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम एंड इक्वेशन, मतलब वेरियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की नेचर के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। हमारी कुछ इक्वेशंस हैं, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री। अब हमें इनकी नेचर की बात करनी है, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशन की। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन में इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं? डेल्टा हो जाएगा एक्स वाई जेड का कोफिशियंट। तो हम एक्स वाई जेड की कोफिशियंट लेके एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। एक्स की कोफिशियंट क्या है? ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू एंड ए थ्री। वाई की कोफिशियंट क्या है? बी वन बी टू बी थ्री। जेड की कोफिशियंट क्या है? सी वन सी टू सी थ्री। एक हमारी मैट्रिक्स है। फिर हम बना लेते हैं एक और डिटर्मिनेंट्स जिसकी नाम देते हैं डेल्टा वन। ये बेसिकली हमारी, हम क्या करते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम एक एक बार एक एक कॉलम को रिप्लेस करते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम हमने इसको किया तो इसलिए इसको डेल्टा वन नाम दे दिया, तो अब इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करेंगे तो बाकी सारा चीज़ हमारा सेम रहेगा, मतलब बी वन बी टू एंड बी थ्री, सी वन सी टू एंड सी थ्री। फिर क्या हो जाएगा? ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा। ये डेल्टा टू, डेल्टा टू में भी क्या करेंगे हम? अब ये हमारा रिप्लेस किसको करेगा? सेकंड टर्म को। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या रह गया? ए वन ए टू ए थ्री। सेकंड टर्म क्या रिप्लेस हो गया? डी वन डी टू डी थ्री। तो इसमें हमारा ये रिप्लेस हो गया सेकंड। फिर से हम एक थर्ड डेल्टा एज्यूम करेंगे जिसमें हमारा ये डी वन डी टू डी थ्री किसको रिप्लेस करेगा? थर्ड कॉलम। इसमें हम अगर देखें तो अब हम एक एक करके तीनों डेल्टा को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेल्टा वन की। तो डेल्टा वन क्या है हमारे पास? ये है मेरा डेल्टा। अगर हम इसमें गौर से देखें तो डी वन डी टू डी थ्री, डी वन डी टू डी थ्री, डी थ्री डी वन डी टू डी थ्री की रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या है? तो ये इक्वेशन। अगर हम इन इक्वेशन को डी वन डी टू डी थ्री के जगह पर रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा? अगर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो डी वन की जगह पर क्या आ जाएगा? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड, और ये टर्म हमारा सेम रह जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ आ जाएगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड, ये हमारा बी टू एंड सी टू। एंड सेकेंड वन इज ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड, बी थ्री सी थ्री। कोई डाउट नहीं है। अब हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की जो रूल पढ़े थे उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस का रूल पढ़ा था कि अगर हमें जैसे ये टर्म है तो इसमें से हम एक्स कॉमन लेके ए वन ए टू ए थ्री को सिंगल लिख सकते हैं, प्लस बी वन वाई सी वन जो जैसा वैसा लिख सकते हैं। वैसे ही सेम वे हम बी वन से भी कॉमन ले सकते हैं, सी वन से भी कॉमन ले सकते हैं, और तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हमने एक्स को कॉमन लिया, ये हमारा क्या है? डेल्टा वन। ये हमारा क्या है? डेल्टा वन। तो हमने सबसे पहले एक्स को कॉमन लिया, एक्स को कॉमन लिया तो क्या बचा? ए वन ए टू ए थ्री। फिर से हमने क्या किया इसमें? बी वन बी सॉरी बी वन बी टू एंड बी थ्री एंड सी वन सी टू सी थ्री। कोई डाउट नहीं है। फिर से हमने वाई को कॉमन लिया, वाई को कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास? बी वन बी टू बी थ्री सी वन सॉरी बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री प्लस जेड इंटू सी वन सी टू सी थ्री बी वन बी टू बी थ्री एंड सी वन सी टू सी थ्री। कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर आप चाहें तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो अब हम इसकी क्रॉस चेक नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम x की मल्टीप्लाई में करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए वन एक्स ए टू एक्स ए थ्री एक्स बी वन वाई बी टू वाई बी थ्री वाई सी वन जेड सी टू, और इनको जोड़ दें तो ए वन एक्स प्लस बी वन जेड। सेम है,
तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं। अब एक डिटरमिनेंट्स की रूल होती है कि इफ अगर किसी एक मैट्रिक्स सॉरी किसी एक मैट्रिक्स की अगर रो और कॉलम, कोई भी दो रो या दो कॉलम, कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। जैसे कि यहाँ पे एक कॉलम और दो कॉलम दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों कॉलम की वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू भी जीरो। डेल्टा डेल्टा टू इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एंड डेल्टा थ्री इज इक्वल टू जेड इंटू डेल्टा, यही वैल्यू फाइंड आउट हो। जैसे हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा, डेल्टा वन बाई डेल्टा, डेल्टा टू बाई डेल्टा एंड डेल्टा थ्री बाई डेल्टा, ये होता है हमारा क्रैमर्स रूल। अब इसके थ्रू से हम फाइंड आउट करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी। तो अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहली आती है कि इफ़ जो हमने पहले अज्यूम किया है, अगर हमारा डेल्टा नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है, अगर हमारा डेल्टा नॉन जीरो आ रहा है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, देन द सिस्टम हैज रूल आती है कि इफ़ ये हमारा जीरो है, अगर हमारा जीरो है, अगर हमारा डेल्टा जीरो है तो एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू एंड डेल्टा थ्री हैज नॉन जीरो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, कंसिस्टेंट होगा, दैट इज इनकंसिस्टेंट एंड थर्ड वन इज अगर ये भी जीरो है और हमारे तीनों डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों के तीनों सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, फिर क्या होगा, तो जब ये सारे जीरो हो जाएंगे तो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये होती है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब पता लग गया होगा कि हमें क्रैमर्स रूल की नीड्स क्यों होती है, सेंसी फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास कौन से सिस्टम की कौन सी सॉल्यूशन होगी। अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, ये तो हमारी क्रैमर्स मेथड हो गई, अब हम फाइंड आउट करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम बाय सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेथड में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि कोई भी हमारे पास कोई इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई, ठीक है, तो ये हमारी हो गई ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री, जो भी हमारे थ्री इक्वेशन हमने 5-6 में पढ़ा होगा कि इन दोनों को सॉल्व करके इसमें सेटिस्फाइड करवा देते हैं, या बहुत सारे रूल होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम मैट्रिक्स मेथड से इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सब जैसे कि हमने पहले डेल्टा माना था, यहाँ पे डिटरमिनेंट ए मान लेते हैं, एक ही हम कोई मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे एक्स वाई जेड के कोफिशियंट हैं उनको लिख देते हैं ए वन ए टू, जो भी हमारे वेरिएबल हैं उनकी हम वैल्यू मान लेते हैं एक्स वाई जेड, जो एज्यूम करना है आप कर सकते हैं, मैं एक्स एज्यूम कर रहा था। तो हमारे कितने वेरिएबल हैं, तीन ही हैं, कौन कौन से, एक्स वाई एंड जेड। अब क्या करेंगे हम, ये जो कांस्टेंट हैं उनको हम कोई भी एक कांस्टेंट मान लेते हैं बी, बी कोई कांस्टेंट मान लेते हैं डी वन डी टू डी थ्री। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए टर्म्स ऑफ ए इनटू बी। जैसे कि हम एक एग्जांपल से देखते हैं, एक हमारे पास कोई भी इक्वेशन है 2x एग्जांपल है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए बनाएंगे, ये हमारी क्या मैट्रिक्स हो जाएगी 2 1 3
-1 -1 1 1 1 2, ये एक हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। और तीसरी हम एक बनाएंगे जो हमारी कांस्टेंट वाली है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 2 1। तो अब हमें क्या चाहिए, तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना हमें पता है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलती है, तो इसकी को फैक्टर एंड उसकी साइन कन्वर्जन से मल्टीप्लाई, उससे जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसकी हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं, ठीक है, जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। कैसे, इसकी को फैक्टर निकालेंगे और को फैक्टर को अरेंज करके जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी हम ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो वो हमारी हो जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैं डायरेक्ट निकालने की मेथड भी बताया था, कैसे बताया था, तो उसकी मेथड क्या थी, ये हमें लिखनी है, इसको लॉक कर देते हैं, इसको लॉक कर देते हैं, 2 × −1 − 2 − 2 − 1 − 3, और इसकी साइन क्या होती है, प्लस होती है, तो ये हो जाएगा हमारा -3। ये तो सेम ही रहता है, अब क्या करेंगे हम 1 की ले लेंगे, इसको लॉक कर देते हैं, इसको लॉक कर देते हैं, बचा क्या हमारे पास 2 × −1 − 2 − 2 − 1 − 3 और −3, सेकेंड वाले की पोजिशन क्या होती है, साइन क्या होती है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब +3 हो गया। अब चूंकि +3 यहाँ आएगा, लेकिन हम इसका क्या लिख रहे हैं, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में क्या हो जाता है, रो चेंज इनटू कॉलम, सॉरी कॉलम चेंज इनटू रो और रो चेंज इनटू कॉलम। तो अब ये वाली जो पोजीशन होगी वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, इन सेम वे। अब इसको ले रहे हैं तो इसकी लॉक कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे, बचा क्या हमारे पास -1 + 1 0, और इसकी साइन क्या होती है, तो इसकी साइन प्लस होती है, तो 0। अब इसकी पोजीशन क्या आएगी, थर्ड वाली पोजीशन होगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इसकी ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ट्रांसपोज ले रहे हैं मतलब ये हो जाएगा, क्लियर। इन द सेम वे हम इसकी निकाल देते हैं एडजॉइंट, और बी क्या है, बी हमारे पास है 2 1 3। और डिटरमिनेंट्स कैसे निकालने हैं, तो इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × −3 − 1 × 1 + 1 × 4, क्या हो जाएगी, तो इसकी सॉल्यूशन हम निकाल देते हैं, ये मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसमें तो एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम −3 × 2 + 3 × 1 + 0 × 3, सेकंड प्लस 1 −5 × 1 − 3 ये हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से इसकी सॉल्यूशन लिख देते हैं, कैलकुलेट करने में क्या जाए −6 + 3, तो −6 में डिवाइड कर देते हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, −1 0 0। अब हमने क्या माना हुआ है एक्स को, एक्स वाई जेड, ये बराबर किसके हो जाएगा, −1 0 0, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, −1, y की वैल्यू क्या आ गई, 0, z की वैल्यू क्या आ गई, तो ये हमारा होता है मैट्रिक्स मेथड किसी भी इक्वेशन को फाइंड आउट करने का। अब इसकी कुछ कंडीशन होती है, जो प्रॉपर्टीज होती है जो हम अभी देखेंगे, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि पहली प्रॉपर्टीज है कि अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स दी हुई है अगर उसकी डिटर्मिनेंट्स नॉन जीरो आ रही है, अगर उसकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रही है, दैट मीन्स द सिस्टम हैज इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड वन इज अगर हमारी डिटर्मिनेंट्स जीरो नहीं है, सॉरी अगर हमारी डिटर्मिनेंट्स जीरो आ रही है, एंड ये जो हमारी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर ये नॉन जीरो आ रही है, तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। एंड थर्ड वन इज अगर डिटरमिनेंट्स जीरो आ रहा है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इनफिनाइट नंबर सॉल्यूशन, तो इसके पास क्या हो जाएगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफिनाइट
नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। मतलब ये कंसिस्टेंट होगा, मतलब ये कंसिस्टेंट होगा और ये इनकंसिस्टेंट, क्लियर है। तो ये होती है हमारी नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बाय मैट्रिक्स मेथड।